हेलो दोस्तों, सीपी मशरूम फार्म से मैं चंद्रप्रकाश आर्या आपका स्वागत करता हूँ। आज हम ये अपना ऑयस्टर फ्लोटा की फर्स्ट क्रॉप जो हमने 16 दिसंबर को लगाई थी, इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको हार्वेस्ट करते समय क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे इसको हार्वेस्ट करना है। अभी इसमें मेन चीज क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप हार्वेस्ट करें उससे पहले इसमें पानी ना डालें, पहले इसको हार्वेस्ट करें उसके बाद ही इसमें आप छिड़काव करें। और ये भी देखना आपको कि आपका जो मशरूम है वो मैच्योर है कि नहीं है। अब जैसे देखिए, आप देख पाएंगे ये जो मशरूम का फूल है ये अभी छाते नुमा होता है नॉर्मली, जैसे कि आप ये देखिए नीचे को मुड़ा हुआ है, बट जब ये मैच्योर हो जाएगा तो हल्के हल्के ऊपर को आप देखिए, ये हल्का सा ऊपर को मतलब यू शेप में ऊपर को जा रहा है। दैट मीन्स ये अभी मैच्योर हो गया है, इसको हमको तोड़ना है। अब क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत पहले से ही ज़्यादा है, अभी टेम्परेचर काफ़ी डाउन चल रहा है, तो इस वजह से अभी हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। और देखिए हार्वेस्ट करते समय आप इसको सेंटर से पकड़ना है और इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है, और एक बार में आपका ये पूरा निकल के आ जाएगा। इसको आपको पन्नी में डाल लेना है। इसी प्रकार अब ये है हमारा, ये देखिए इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ये आपका आ गया, और इसको हम इसे बैग में रख लेंगे। आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मली ये हमारी जो क्रॉप है वो आपका 22वें 23वें दिन से ही स्टार्ट हो जाती है, बट क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, रात में यहाँ पे 6 डिग्री तक पहुंच जाता है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, इस वजह से हमारी जो क्रॉप आई है थोड़ी सी स्लो हो गई है, बट कोई बात नहीं, देर से आए बट दुरुस्त आए वाली कहावत है। तो इसको हम ये इस प्रकार हम इसको तोड़ लेंगे। ना इसमें नीचे पेन है भी, कोई दिक्कत नहीं, इसको कल तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें इस फूल को हम अभी नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि इसके छोटे पिन हेड भी बहुत सारे आ रखे हैं इसमें, तो इसको हम कल के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए अब इसमें और सारे पिन हेड आ रहे हैं छोटे छोटे, इसलिए आज हम इसको हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दिखाया मैंने कैसे हमने अपना ऑयस्टर प्रोडक्ट को हार्वेस्ट किया है। तो आपको अगर इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।